इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पिछले दिनों जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले में सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला था, जिसके आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं उनकी तलाश की जा रही है। मामला इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के बांदा कॉलोनी का है। यहाँ के रहने वाली रिया नगेले नामक युवती ने क्षेत्र के रहने वाले युवक से 2 माह पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते युवक के परिजन और खुद युवक निरंजन पटेल उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिसमें युवक के परिजन भी लगातार रिया पर प्रताड़ना दे रहे थे। इसके चलते वह परेशान हो चुकी थी और इन्हीं प्रताड़नाओं के चलते रिया ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और उसकी मौत हो गई थी। रिया के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें उसने अपने साथ हुई प्रताड़ना का जिक्र किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक निरंजन पटेल और उसके परिवार जन के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। थाना छतरीपुरा में एक युवती के द्वारा गत दिनों जहर खाकर आत्महत्या की गई थी, जिस पर से उसके मर्ग की जांच में उसके जो परिजनों के बयान आए, जो उसका सुसाइड नोट मिला, उसके आधार पर ये पता लगा कि एक युवक जो है और उसके परिजन उसको पिछले काफ़ी समय से परेशान कर रहे थे, इस कारण से जो है उसने सुसाइड किया है, जिस पर से मुकदमा कायम करके और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।